नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने में आपके पैर के अंगूठे के पास में जो उंगली रहती है, अगर आपकी उंगली बड़ी है तो 6 रहस्यों की मैं बात करने वाला हूँ। उनसे पूर्व में मेरे वीडियो में कह चुका हूँ, लेकिन बहुत से लोगों के मुझे प्रश्न आ रहे थे कि पंडित जी और भी हमें कुछ ज़्यादा जानकारी आप प्रदान करें, तो आज मैं 6 रहस्यों की ऐसी बात करने वाला हूँ। अक्सर पाया गया है के अंगूठे के पास में जो उंगली रहती है वो उतनी बड़ी नहीं, जो कई लोग कहते हैं कि मेरी उंगली बहुत बड़ी है, नहीं, जो उसके साइज है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। ऐसे लोगों की ये 6 रहस्य की बात करने वाला हूँ। साथ ही आपको एक बात सावधानी भी मैं कहने वाला हूँ, ये वीडियो पूरा सुनिए। बहुत से लोगों के मुझे यहाँ SMS कॉमेंट बॉक्स में आते हैं कि पंडित जी और जानकारी दीजिए और जानकारी दीजिए। ये सामुद्रिक शास्त्र की जानकारी मानी जाती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत से अलग अलग विषयों पर ज्योतिष प्रदान करते हैं, जैसे जन्म कुंडली के माध्यम से कई लोग कुंडली दिखा के उसका भविष्य जानते हैं, उसके उपाय जानते हैं। कई लोग प्रश्न कुंडली के माध्यम से अपना भविष्य जानते हैं, उसके उपाय जानते हैं। ऐसे ये सामुद्रिक शास्त्र की जानकारी है। हमारे सारे जो अंग है उसके अलग अलग विषयों पर हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि ये जो आपका पैर है, आपके हाथ है, आपका जो मुंह है, वो अलग अलग हमारे शास्त्र में उसके जानकारी दी गई है कि ऐसे लोग पाए जाते हैं। तो आज जो मैं जानकारी देने वाला हूँ वो सामुद्रिक शास्त्र की जानकारी है, और पैर के पास, पैर में जो अंगूठे के पास में उंगली रहती है उसकी जानकारी। ऐसा नहीं माना जाता कि सबकी उंगली ये बड़ी रहती है। कहा जाए कि लाखों जातकों के बीच में बहुत से लोग कम रहते हैं, इसकी ये उंगली बड़ी रहती है। दोस्तों, पहले जो मैं जानकारी रहस्य कहने वाला हूं ये बहुत ही बड़ा रहस्य। अगर आपकी उंगली बड़ी है, वैसे जातक करुणा बहुत उसके जीवन में रहती है, वह करुणामय रहते हैं। माने भावनात्मक, जो बहुत भावना किसी के ऊपर स्वयं भावनात्मक हो जाता है, किसी का दुख वो देख नहीं पाते। अगर सामने वाला दुखी है तो वो स्वयं दुखी रहने लगते हैं, दुख के विचार आने लगते हैं। साथ ही उसका दुख देखने के बाद कई बार वो रोने भी लगते हैं। मेरा ये दोस्त दुखी है, वो इतने करुणामय हो जाते हैं। साथ ही ये मेरा भाई दुखी है, ये मेरे परिवार के लोग दुखी है, ऐसा सोचते रहते हैं। उसको करुणा प्रेम बहुत रहता है। दूसरे के ऊपर कभी भी किसी का बुरा करना वो सोच नहीं पाते, किसी का बुरा सोचना भी वो सोच नहीं पाते। साथी दोस्तों, उसकी जैसे भी मदद कैसे मैं करूं, मैं उसको क्या उपयोग करूं जिसे उसका दुख है वो चला जाए, उसको सुख प्राप्त हो, ये पहला बहुत ही बड़ा रहस्य है। अक्सर लोग क्या कहते हैं, किसी का दुख देखने के बाद सुख का अनुभव करते हैं, ये दुखी हुआ ना, लेकिन नहीं, ये जातक अक्सर दूसरे का दुख देखने के बाद वो बहुत दुखी हो जाते हैं। साथी दोस्तों, अक्षर दूसरा ये रहस्य है, अनुभव सिद्ध बात है, ऐसे लोग अपने परिवार के बीच बहुत कम रहते हैं, किसी ना किसी वजह वो बाहर ज्यादा रहते हैं। नौकरी की वजह से वो बाहर रह सकते हैं, पढ़ाई की वजह से वो बाहर रह सकते हैं, ना किसी की ना वजह अपने परिवार से दूरी रहते हैं, ये भी देखा गया है। साथ ही उसकी नौकरी भी अपने जन्मस्थल से बाहर ही ज्यादातर उसको मिलती है, और वहां उसका अपने जन्मस्थल से बाहर उसका भाग्योदय रहता है। ये भी देखा गया है दोस्तों कि ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, अब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसका भाग्योदय दो वजह से रहता है। पहले उसकी आयु मध्यम रहती है, 35 साल के बाद उसके भाग्योदय के चिन्ह उसको प्राप्त रहते हैं। दोस्तों, तीसरी बात,
अक्षर पाया गया है कि ऐसे लोगों की भाग्योदय उसकी शादी के बाद ही उसका भाग्योदय रहता है। उसकी पत्नी उसका साथ बहुत देती है, उसके दुख में सहभागिनी बन जाती है। कोई बिजनेस लगाए, पति बिजनेस लगाए, तो पत्नी उसका बिजनेस का पूरी तरह सहयोग करती है और पत्नी की वजह से उसका भाग्योदय अच्छा रहता है। कोई भी बिजनेस हो, उसकी पत्नी को ऐसा विचार रहता ही है कि मैं अपने पति को कैसे सहयोग करूं, मैं अपने पति के साथ कैसे चलूं। यह भी देखा गया है कि उसका पति अगर किसी बात की कमजोरी है लेकिन उसकी पत्नी किसी को बताती नहीं है, लेकिन उसका सहयोग करके उसको मजबूत करती है। आत्मविश्वास की कमी हो और उसी वजह से अगर उसका बिजनेस में जितना प्रभाव होना चाहिए नहीं रहता, लेकिन उसकी पत्नी इतना आत्मविश्वास बढ़ाती है कि उसका बिजनेस चलने लगता है, उसका बिजनेस कहा जाए आगे बढ़ता रहता है, लेकिन उसकी पत्नी से उसका भाग्योदय अक्षर पाया गया है। ये चतुर्थ बात है, रहस्य है दोस्तों कि अक्षर ऐसे लोग प्यार में पड़ते ही है, लव करते ही है, लेकिन 1% उस प्यार में सफल रहते हैं। अक्षर प्यार में उसको धोखा ही मिलता है, सामने वाला इसका प्यार समझ नहीं पाता है कि कितनी हद तक वो मुझे प्यार करते हैं और उसका प्यार सफल नहीं रहता। 1% एक ही पसंद उसका प्यार सफल रहने की यहां योग निर्माण रहते हैं। दोस्तों और भी बातें मैं कहने वाला हूं, लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, वो भी जानकारी प्राप्त कर सके। दोस्तों बहुत से लोग कॉमेंट्स बॉक्स में मुझे कहा गया कि आप जो बता रहे हैं 99% मेरे जीवन में ये सारी बातें हो रही है, और आपका भी अनुभव आप जरूर लिखे कि आपकी अगर अंगूठा के पास में उंगली बड़ी है तो ये जीवन में हो रहा है, अपना अनुभव जरूर लिखे। दोस्तों अब जो मैं बात करने वाला हूं वो एक बड़ा रहस्य है, आपको इस बात की सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। आपका भाग्योदय हो चुका है, आपके जीवन में धन भी आ चुका है, लेकिन उस धन को आपको बचाना है तो किसी को कर्जे पे पैसे देने से पहले पूरी सावधानी बरते, वरना आपका पैसा जा सकता है, आपका पैसा फंसने की पूरी योग निर्माण हो सकते हैं। आप जिम्मेदार लोग हो, आपको पूरा विश्वास हो, सावधानी के साथ ही आप पैसे का यहां किसी को देने से पहले सारे कागज भी लिखा लीजिए, सावधान हो जाइए, वरना आपके बिजनेस में भी आपको नुकसान हो सकता है, आपके पैसे जा सकते हैं। साथ ही आप बिजनेस लगाने से पहले आप अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाइए, किसी भी जो ज्योतिष शास्त्र के माहिर हो, ज्योतिष शास्त्र में अच्छे अनुभवी हो, उसको आप जरूर अपनी जन्म कुंडली दिखा के ही आप पार्टनरशिप में बिजनेस करें। दोस्तों बहुत से लोगों के हमें कॉल आते हैं कि पंडित जी मुझे अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, तो मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर आपको जन्म कुंडली दिखानी है तो आपको व्हाट्सएप में आपका नाम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल सब भेज देंगे। मेरी जो ऑफिस है गुजरात जामनगर में एक ही जगह है, साथ ही आपको आपके मोबाइल में व्हाट्सएप में आपके PDF फाइल करके आपकी कुंडली के अनुसार शास्त्रों को उपायों के साथ सरल उपायों के साथ आपकी कुंडली आपको भेजी जाएगी, लेकिन उनसे पूर्व आपको सुनिश्चित दक्षिणा है वो भेजनी होगी।
फिर आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी, आपको समय दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, कई बार मैं कह चुका हूँ ज्योतिष देखने का अपॉइंटमेंट लेने का जो समय है सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है, उसी समय आप कॉल करें, अपॉइंटमेंट आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों ये लास्ट पॉइंट बहुत ही रहस्य का बात है, ये भी देखा गया है कि आपको अपने जीवन में सबसे पहले किसी की बात में नहीं आना है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं और अपनी पत्नी पे जो वहम कहा जाए, शंका उत्पन्न हो जाती है और उसके साथ झगड़े भी बढ़ते हैं। आपके जीवन में किसी प्रकार का ये शंका मत रखिए, आपकी पत्नी आपके लिए भाग्योदय है लेकिन आपको संभल के रहना चाहिए। आप जिसको अपना मानते हैं वही आपको धोखा ना दे, वो अक्सर आपको जानना चाहिए। साथ ही दोस्तों मैं और भी वीडियो आपके सामने रखने वाला हूं, आपकी उंगली बड़ी है लेकिन उसमें तिल है तो क्या हो सकता है, या आपकी उंगली बड़ी है, अंगूठे के पास में जो उंगली बड़ी रहती है उसकी में सारी बातें रखी है लेकिन उसमें कुछ खंडित है, साथ ही आपको क्या उपाय करने से जो आपके जीवन में भाग्योदय हो सके, सारी बातें मैं अगले एपिसोड में रखने वाला हूं, आप जरूर वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों ऐसे ही जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूंगा, आप जो हमें प्यार दे रहे हो उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।